अजनी पुलिस थाना अंतर्गत शनिवार की सुबह एक 59 वर्षीय व्यक्ति की गाड़ी की टक्कर की वजह से मृत्यु होने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शनिवार को सुबह 5:30 से 6:30 के बीच मृतक नरेश्वर दशरथ बेलीकर उम्र 59 वर्ष तेसरन चौक अम्बेडकर नगर अजनी नागपुर निवासी अपनी दो पहिया वाहन से त्रिशरण चौक से शताब्दी चौक की ओर जा रहे थे। उस दरमियान एक 4 पहिया वाहन ने मृतक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर जख्मी हुए और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। कल दिनांक 13/3/2021 के सुबह 5:30 बजे के दरमियान में श्री नानेश्वर दशरथ बेलेकर वह 59 वर्ष राणा त्रिशरण चौक अम्बेडकर नगर कुंजीलाल पेट ये अपने लूना से त्रिशरण चौक से शताब्दी चौक की तरफ में जा रहे थे। उसी दरमियान में रामेश्वरी चौक के पास में पीछे से एक टाटा कार क्रमांक MS 31 FC 3433 का चालक आनंद रामाजी गजबी उम्र 31 साल रानर KGN सोसाइटी जवतवाड़ी कपिल नगर इसने अपना वाहन भरधाव वेग से लाया और लूना चालक को पीछे से ठोस मार दिया, जिसके कारण लूना चालक घटनास्थल पर गिरे और उनको हेड इंजरी हुई, जिसकी वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें मेडिकल अस्पताल में ले गए इलाज के लिए ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें जाँच करके मृत घोषित किया गया। मृतक के लड़के हैं सूरज ज्ञानेश्वर बेलेकर, उनके फिरियाद से हमने पुलिस स्टेशन में कलम 279/304 के अनुसार हमने गुना दर्ज किया है। आरबी को अटक की है, तब आरबी ने हमें बताया कि वो रात भर कहीं वो गाड़ी चला के आ रहा था और सवेरे उसके आँख को झपकी लग गई थी, जिस कारण उसका नियंत्रण वाहन से खो गया और उसने लूना चालक को धड़क मार दी। आरबी को हमने अटक किया है और उसके कोर्ट में हमने हाजिर किया है और अगला तपास हम लोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में फरियादी सूरज बेलेकर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।